आज के जो हमारे गेस्ट है ना, कमाल के, उनको ये पता है कि बिल गेट्स का डिवोर्स क्यों हुआ, उनको ये भी पता है कि बच्चों में संस्कार क्यों कम हो रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तुम पैंट शर्ट क्यों पहनते हो, तुम धोती कुर्ता क्यों नहीं पहनते। और उनको ये भी पता है क्यों क्यों आज कुछ बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। उनको कुछ लोग सैवेज कहते हैं, पर विटी इतने हैं कि आपको घंटों एंटरटेन कर सकते हैं। रील्स में ऐसा हो नहीं सकता है कि आप स्वाइप करें और उनकी एक रील आपके मोबाइल पे ना आए। नाम है उनका अनिरुद्धाचार्य। उनसे हमने इंटरव्यू किया समस्तीपुर में। समस्तीपुर के बगल में एक छोटा सा गांव है उदयपुर, वहां पे वो आए थे प्रवचन करने के लिए कुछ हफ्ते पहले। वहां पे हमने उससे बात की। आइए आई की बात वहीं से करते हैं। कैसा लग रहा है आपको बिहार में आके? बहुत अच्छा। बिहार तो एक आध्यात्मिक भूमि है। ने बोला था कि महाराज जी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे गुरु जी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिहार में एक सरलता है, सहजता है, सीधे भोले भाले लोग, इसलिए तो भगवान राम भी खींचे चले आए ना मिथिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भगवान का जो एक ओहदा लोगों ने आपको दिया हुआ है, वो जब आपको देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, एक भगवान को देख रहे हैं। मैं नहीं करता, मेरे और आपके द्वारा भगवान कुछ कराते हैं। हम कुछ भी नहीं होते, भगवान हमसे कोई कार्य कराते हैं ना, तो अपनी शक्ति, जैसे हनुमान जी लंका गए तो हनुमान जी नहीं गए, राम जी ने अपनी शक्ति दे दी हनुमान जी को कि ये शक्ति लो तुम जाओ। वो शक्ति हनुमान जी की नहीं थी। तो भगवान जिस पे कृपा कर देते हैं वो बड़ा हो जाता है। बिहार के सारे लोग आपको अब मानेंगे कि आप ही उनके राम हो गए थोड़े दिन के लिए। नहीं, उनका प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, पर राम तो राम है और हम उनके चरणों की धूल भी नहीं है। आज तक का सबसे बुरा वक्त आपने कौन सा देखा है? कोई बुरा वक्त नहीं है। बचपन में देखिए, जब हमने होश संभाला तब मैं गाँव में जाकर भिक्षा मांगता था, तो गाँव में हमारे पास कोई जमीन नहीं, कोई घर नहीं। जिनका मंदिर था गाँव में, समझते हैं, मुखिया होता है एक, उनका एक मंदिर था, तो हम उस मंदिर की पूजा करते थे, हमारे पिताजी, हम तो बहुत छोटे थे, तो हम लोग मंदिर के पुजारी थे। तो उन्होंने जो मंदिरों में जमीन होती थी ना, खेत लगाते थे लोग, तो उन्होंने खेत भी अपने रख लिए। हम लोग मंदिर में थे पर कुछ दिया नहीं उन्होंने। महीने का जो महंताना है 500 रुपये महीना, वो भी नहीं देते थे। और उन्होंने कह दिया था क्या, मंदिर खाली करके जाओ। अब हम लोगों की मजबूरी थी कि कहीं था ही नहीं, तो हम लोगों ने उनसे कहा कि हम लोगों को थोड़ा कुछ वक्त दीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, इतने महीने आप लो, लेकिन खाली कर देना। अब उन्होंने पूरा खाना पीना बंद कर दिया, जो देते थे राशन पानी सब कुछ बंद। अब भोग तो लगानी था भगवान जी को, तो हम गाँव में भीख मांगने जाते थे बचपन में, तो भीख मांग कर लाते थे, फिर वो भोग लगाती थी माँ बना के, और हम लोग लगाते थे और खाते थे। तो मेरे जीवन की शुरुआत तो एक भीख मांगने से हुई है, भिक्षाम देही, जैसे सुदामा जी मांगते थे। तो वो वक्त जो था, उसके बाद मैंने देखा कि जब सावन का महीना था और उन लोगों ने कहा कि अब तो आपको खाली करना ही पड़ेगा। पिताजी ने कहा कि अभी ये बारिश का मौसम है, थोड़ी ये बारिश बीत जाने दो, सावन चल रहा है, भादों पानी का मौसम है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा सामान घर के उठा के बाहर कर दिया था। तो वो जो दृश्य था, कैमरे तो उस समय थे नहीं, मोबाइल का जमाना नहीं था उस समय, ये घटना लगभग 1999-2000 के लगभग की होगी शायद, बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन लगभग ये है। उस समय मैं बहुत छोटा था, लेकिन देखा था सब। तो वो जो मंजर था ना, घर का सामान वो लोग फेंक रहे थे बाहर, वो था सबसे, कि जब आपके पास घर, आपका सामान सड़क पे हो और आपके पास घर ही ना, सोचिए कि क्या हाल होगा। रोए थे आप उस समय? उस समय तो बच्चा था, मैं क्यों रोता, माँ बाप रोए होंगे। याद है वो आज? हाँ, वो सब पल याद है। मैं तो बच्चा था, क्या घर होता है, क्या अपना होता है, क्या पराया, मैं तो उस समय कुछ नहीं जानता था। उस समय कुछ भी नहीं जानता था, लेकिन देख रहा था सब चीजें, मेरी आंखों के सामने सब हो रहा था, वो सब दृश्य। तो वो अब समझ में आता है कि एक घर से किसी को निकालना, बेघर करना, वो कितना बड़ा पीड़ा और दर्द माँ बाप को रहा होगा।
पलट के आज आप उन लोगों को माफ कर पाए? नहीं, हम लोगों ने तभी माफ कर दिया था। हम लोग कभी उन पर नाराज नहीं हुए, ठीक है, कभी बद्दुआ नहीं दिए किसी को। भगवान सदा उनका भला करे। आज भी उनसे दोस्ती है, आज भी मित्रता है, आज भी वो पश्चाताप करते हैं इस बात को लेके। लेकिन भगवान ने ठीक किया, यदि वहां से ना निकलते तो आज यहाँ भी ना पहुंचते। इसलिए जो होता है ना, बिहारी जी कुछ ठीक प्लान करते हैं। आप वृद्धाश्रम चलाते हैं और काफी, ये जानना चाहूंगा मैं आपसे, कभी आपने निष्पक्ष होकर इस बात को सोचा है कि क्यों बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं? देखिए, आज बच्चे इसलिए माँ बाप को छोड़ते हैं कि आज इसमें सबसे बड़ा दोष हम किसको दें? शिक्षा को। अभी जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बन रहे हैं, जज बन रहे हैं, वो ब्रिटिश शिक्षा के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। हमारी भारतीय शिक्षा कहाँ है? कहाँ वेदांत पढ़ाया जा रहा है? कहाँ दर्शन पढ़ाए जा रहे हैं? कहाँ मीमांसा पढ़ाया जा रहा है? कहाँ भगवद गीता पढ़ाई जा रही है? कहाँ उपनिषद पढ़ाए जा रहे हैं? क्यों नहीं पढ़ाए जा? क्या हमारे ज्ञान में कमी है? हमारे ज्ञान ने उस समय जब सैटेलाइट नहीं थी, उस समय जब विज्ञान नहीं, नासा पैदा नहीं हुआ था भाई, 1930 या 40 के बीच में तो नासा का गठन हुआ है लगभग। उसके पहले तो नासा जैसी कोई संस्था नहीं थी। चलो, रूस के पास कुछ विज्ञान था, तो आप मान लो कि 1920 के पहले उनके पास भी कुछ नहीं था। 1910 मान लो राइट ब्रदर्स ने विमान 1903 में तो बना के खड़ा किया। उसके पहले हमारे सनातन की गणित देखिए कि हमारे यहाँ साल में 12 साल में कुंभ लगता है। कुंभ क्यों लगता है? जब बृहस्पति का एक चक्कर पूरा होता है तो 12 साल में चक्कर पूरा होता है, साइंस कहती है। हमारे ऋषि मुनि भी तो यही कहते रहे, बिना सैटेलाइट के जान गए कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का है, इसलिए 12 साल में एक कुंभ आता है। हमारे यहाँ आज के 100 साल पुराना पंचांग उठाइए, पंचांग, उसमें लिखा है कि इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्योदय है। मतलब सूर्योदय आज कितने बजे होना है, सुबह 5:56 पर या 6:50 पर, जो भी, तो वो समय पंचांग में सैकड़ों साल पहले लिखा रखा है। जब सैटेलाइट नहीं थी तब हमारी ऋषि मुनि जानते थे कि आज सूर्योदय इतने बजे होगा, आज सूर्यास्त इतने बजे होगा। मतलब अंतरिक्ष का ज्ञान हमारे भारत के वैदिक ऋषि मुनियों को था कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जब हमारी विज्ञान की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी तो हमें वहाँ इंग्लैंड की भाषा और इंग्लैंड के रूल्स फॉलो करने की क्या आवश्यकता? तो आजाद है, क्योंकि शायद सिर्फ नौकरी ही पाना और नौकरी करवाना ही एक, जो अंग्रेजों में एक था मैं काले, जिसने संडे की छुट्टी लॉन्च की, पता ना आपको, मैं काले नाम का एक वहां का लेखक था, मैं काले उसका नाम था। तो मैं काले के कारण भारत में ये शिक्षा प्रणाली लागू हुई। भारत में टाई, बेल्ट, बैच की क्या जरूरत थी? पैंट शर्ट क्यों पहने हम? धोती कुर्ता क्यों नहीं पहने? हमारे महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सबके टाइम पे पैंट शर्ट पहन के युद्ध हुआ था कि धोती कुर्ता पहन के? धोती कुर्ता पहन। फिर अब जब भारत के हो तो भारत का पहनावा क्यों नहीं पहनते? मैं देखो भारत का पहनावा पहन के रहता हूँ। हम भारत के हैं, भारत माता की जय, इससे काम ना होगा। क्योंकि शायद कुर्ता पजामा, धोती कुर्ता उतना कूल नहीं लगता है, इसलिए। कूल है, आप जींस पहनते हैं, इतना मोटा, गर्मी में पसीने से खुजली हो जाती है, लेकिन खुजलाते रहते हैं, पहनते रहते हैं। हम तो देखो धोती कितनी पतली है, ये कितनी पतली, हवा लगती है, मस्त कंफर्टेबल है। पैंट शर्ट कंफर्टेबल नहीं है साहब, लेकिन अब चूंकि आदत हो गई ना आपकी, मेरी आदत धोती कुर्ता की है। आपके दादाजी को भी आपने कभी धोती कुर्ता में देखा होगा? हाँ, मेरे पापा भी धोती कुर्ता पहनते। फिर तो पुराना भारत वही है। जब पुराने लोगों का गुजारा हो गया तो आज का आदमी जब धोती कुर्ता, तिलक, तुलसी पहन के जब विदेश जाता और वो पढ़ता मातृ देवो भव, क्या भारत की शिक्षा क्या है? मातृ देवो भव, वेद का वाक्य है, पितृ देवो। यदि जो बेटा माँ बाप मातृ देवो हो, पितृ देवो पढ़ेगा, वो अपनी माँ को घर से क्यों निकालेगा? माँ को घर से कौन निकाल रहा जो गा से गधा पढ़ रहा है? गा से गधा पहले क्या पढ़ाए? गासे गणेश। जब तक गणेश पढ़ते रहे तब तक माँ को भगवान मानते रहे, जब से गासे गधा पढ़ा तो माँ को घर से निकालने लगे। इसलिए बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था भारत की अभी सही नहीं है।
क्या माँ बाप की कोई गलती नहीं होती? हो सकती है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाटिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। चाणक्य कहते हैं कि वह माता पिता शत्रु है बच्चों के, जो माता पिता अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। माँ बाप ने क्यों नहीं संस्कार दिया? छोटा बच्चा था, क्यों बिगड़ रहा था, तब कहाँ थी आप? तो माँ बाप की भी गलती है, पर माँ बाप की गलती ये हो गई, अब माँ बाप क्या करें? पढ़ने तो स्कूल ही भेजेंगे ना, और स्कूल वैसे और स्कूल में मातृदेव हो की शिक्षा है ही नहीं। उन्होंने तो पढ़ाया, पर वो बाबूजी बन गया पढ़ लिख के, इंग्लिश में जेंटलमैन हो गया, नौकरी चाहिए थी। हाँ, तो वो मातृदेव हो पढ़ना भूल गया, इसलिए फिर वो भगाया माँ बाप को, क्या करें। आपके हिसाब से इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? अच्छा, आपने सुना होगा एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, पूरी दुनिया के सबसे बड़े आदमी हैं, है ना, उनकी पत्नी का तलाक हो गया 27 साल बाद, बिल गेट्स। इतना बड़ा व्यापारी, इतना पैसा अंग्रेजी भी बोलता है कि वो कई देश खरीद सकता है, वो इतना पैसा है, लेकिन रिश्ते में फेल हो गया, बिजनेस में पास हो गया, वो रिश्ते चलाने में फेल हो गया। तो रिश्ते चलाना बड़ी बात है, रिश्ते निभाना बड़ी बात है, व्यापार कर लेना ठीक है, पैसा कमा लेना ठीक है, पर रिश्ते चलाइए। गीता में लिखी एक बात बताइए जो आप, जो हमें नहीं पता है पर आप उसको बिल्कुल मानते हैं कि हाँ उसे जिंदगी जी जा सकती है। गीता की प्रत्येक बात जीवन में उतारने लायक है, जिसमें एक बात बहुत अच्छी है जो बात पूरी दुनिया फॉलो करती है, और गीता की ये बात गीता को और श्रेष्ठ बनाती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति काम करता है वो ये नहीं देखता कि हानि हो रही है कि लाभ हो रहा, बस करता जाता अपना काम, वो सफल होता है। हम नहीं देखते कि प्रॉफिट कितना हुआ, हम ये देखते हैं कि हमारा काम परफेक्ट हुआ क्या, हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है क्या। किसान खेत में बीज बो सकता है, कर्म कर सकता है, फसल कितनी आएगी ये वो तय नहीं करेगा। आज का युवा कहाँ फेल है पता है? बताइए। काम नहीं करता। युवा तो काम कर ही रहा है, मुझे लगता है पहले ज्यादा लोग घर में बैठे रहते थे। ठीक है आपके हिसाब से, पर जितना काम करना चाहिए। आज का युवा कितना काम, आज का युवा दिन में भी सोता है। सबको आईफोन चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। आज का नहीं, बात सीमित, समस्या क्या हो गई कि आज का हमारा युवा सीमित रह गया। कितने घंटे काम करना चाहिए? मैं स्वयं अपनी बात करूं, मेरी आयु अभी 33 साल पूरी हो गई, 34 रनिंग स्टार्ट हो गई मेरी। मैं अभी भी, और मैंने बहुत समय से, मैं 18 घंटे तो काम करता ही करता हूं आज भी। आजकल एक वर्क लाइफ बैलेंस का भी तो चल रहा है कि आपको काम भी उतना करना चाहिए, आपको परिवार को भी समय देना चाहिए। परिवार का समय दीजिए परिवार को, मैंने कहा ना कि परिवार पहले काम बाद में। काम का मतलब ये नहीं कि तुम शरीर से मेहनत करो, दिमाग, बिल गेट्स ने दिमाग लगाया, सुंदर पिचाई ने शरीर से काम नहीं किया, दिमाग से काम किया, उतनी आपके पास है। जितना दिमाग झांसी की रानी के पास था उतनी दिमाग हर स्त्री के अंदर है, जितना दिमाग महाराणा प्रताप के पास था, महाराणा प्रताप जी के पास, उतनी मेरे और आपके अंदर है। बस उन्होंने अपने आप को विकसित किया और मैंने अपने आप को विकसित नहीं किया, और मैंने अपने दिमाग से कोई काम नहीं लिया। तो मेरा दिमाग सोया पड़ा है, सोया उसमें धूल जम जाती है, वो काम ही नहीं आता। 2% भी हम लोग अपने जीवन में दिमाग का उपयोग नहीं कर पाते, 2%, 98% तो सड़ा धरा धरा सड़ जाता। हाँ, मर जाते हैं उसके साथ हम लोग। अच्छे ने बोला था कि महाराज जी मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। क्या चल रहा था उस समय आपके दिमाग में, सुना बच्चा? हाँ, बार बार सुना मैंने। बच्चे हैं, बच्चे तो देखो सच्चे होते हैं, भगवान का रूप होते हैं। अच्छा, बिहार के लोग बिहार के लिए कुछ खास कर नहीं रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अगले साल इलेक्शन है और आप एक बार इनको डांट के बोलिए कि जात पात से ऊपर उठकर। बोला मैंने अभी कल ही बोला, कल परसों दो दिन, कि जात वाद में ना उलझना, विकास चाहते हो बिहार का, तरक्की, अभी दो दिन और है, मैं खूब समझाऊंगा। सनातन धर्म को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ना हमको घर घर जाना पड़ेगा, दलितों के पास, वंचितों के पास, शोषित के पास, और आदिवासियों के पास जाओ और उनसे पूछो कि आपको क्या चाहिए।
थोड़ा जाएं, उनके पास समय बिताएं, थोड़ा कृष्ण की चर्चा करें, राम की चर्चा करें, गीता की चर्चा करें, उन्हें बताएं कि हमारा धर्म क्या है, वरना कोई और बता के और धर्म परिवर्तन करा देगा। कर्म और धर्म में क्या फर्क है? कर्म तो रावण ने भी किया, सीता माँ को चुरा लाया, कर्म ही तो था। कर्म तो कसाई भी कर रहा है, गाय काट रहा है, कर्म तो कर रहा है अपना। कर्म तो शराबी भी कर रहा है, रोज शराब पीता है। लेकिन ये सारे कर्म ना धर्म युक्त नहीं है, इसलिए ये सब गलत है। कर्म कैसा हो? धर्म से जुड़ा हो, धर्म के अकॉर्डिंग हो। धर्म युक्त यदि आपका कर्म है तो वो कर्म श्रेष्ठ है, वरना वो कर्म किसी काम का नहीं है। जब प्रत्येक नर में आप नारायण को मान के सबके प्रति सेवा का भाव रखेंगे तो आपका वो कर्म ही पूजा बन जाएगा। जाते जाते बिहार के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अभी सड़कें नहीं है बिहार, छोटी छोटी सड़कें हैं, बहुत विकास की जरूरत है। बाढ़ आती है, नदियों को नदियों से जोड़ दिया जाए तो बाढ़ खत्म हो जाएगी। बाढ़ खत्म हो जाए ना, बाढ़ की समस्या खत्म हो जाए बिहार से। मैंने इसका फॉर्मूला दिया कि नदियों को नदियों से जोड़ दो, बड़ी नदी को छोटे से, छोटे को और छोटे से, तो बाढ़ नहीं आएगी, पानी डिवाइड हो जाएगा चार छह भागों में। और बच्चों को ना नौकरी के लिए नहीं, व्यापार के लिए प्रेरित किया जाए कि बेटा तुम्हें बिजनेस करना है बड़े होकर, ना कि नौकरी। सबको नौकर नहीं बनना, मालिक बनना। आज बिहार का 95% लोग ये चाहते हैं कि मेरा बेटा नौकर बने, मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, नौकरी। रो रहे हैं लोग, नौकरी नहीं लगी महाराज जी, नौकरी। नौकर बनना ही क्यों? क्योंकि बिहार में बहु दामाद बेटा असली वही है जिसके पास नौकरी है और सरकारी नौकरी। ये कहावतें गलत हैं। नौकर नौकरी करने वाला नौकर होता है, इसलिए बिजनेसमैन बनिए ना, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी की तरह बनिए ना, बड़ी सोच रखिए। आपको व्यापार करना है, बिजनेस करना है, आपको नौकरी देने वाला बनना है। नौकरी लेना क्यों है? 10 लोगों को नौकरी दीजिए आप, रखिए ना पढ़े लिखे लोगों को। नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने वाले बनोगे तो सदा नौकर रहोगे। मालिक बनना है तो नौकरी देना सीखो। बिहार तब तक नहीं बदलेगा जब तक ये विचारधारा नहीं बदलेगी। इन्हीं पतली सड़कों पे 3-4 बार आने के बाद हमें फाइनली आपका इंटरव्यू करने का मौका मिला। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है इन 15 मिनट के भरोसे में अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। शुक्रिया आपसे बात कर, खुश हमसे बात कर। वृंदावन आइएगा, सब दर्शन कीजिए, वहाँ की सेवा। बिल्कुल बिल्कुल। बुला